फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विकीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का एक ऐसा अनोखा नाश्ता जो कि हम ग्लास में बनाएंगे और 5 मिनट में आप पूरी फैमिली के लिए इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर इस अनोखे से सूजी के नाश्ते की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम सूजी का बैटर बनाकर तैयार करते हैं। तो जैसे हम इडली का बैटर रेडी करते हैं, सेम वैसे ही हमें इसका सूजी का बैटर भी रेडी करना है। तो यहाँ मैं एक बाउल में ले रही हूँ 2 कप सूजी, 1 कप दही। तो यहाँ मैं एकदम फ्रेश दही यूज कर रही हूँ, मिक्स कर देंगे इसे। 1/2 कप पानी यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो टोटल यहाँ पे मैंने 1 कप पानी यूज करा है और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, मिक्स कर देंगे इसे। तो ये हमारा सूजी का बैटर एकदम रेडी है और अब हम इसे ढक के एक साइड रख देंगे। और अब हम आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 बॉईल आलू लिए हैं और आप कोशिश करें कि आलूओं को 5-6 घंटे पहले ही बॉईल करके फ्रिज में रख दें। तुरंत बॉईल करे हुए आलू आप ना यूज करें क्योंकि वो ग्रेट नहीं होंगे और उनका मसाला अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, हमने सारे आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लिया है और हमारे आलू एकदम स्मूथ हैं, इसमें कहीं पे भी कोई भी लम्स नहीं है। तो अब हम कुछ मसालों के साथ इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे ही ये तड़कने लग जाएगा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हाफ टी स्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। नमक स्वादानुसार मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो ये हमारा आलू का मसाला तैयार है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा आलू का मसाला एकदम ठंडा हो गया है और कितना स्मूथ आलू है, ये बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपक नहीं रहा है। और अब हम इसे 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आलू को हमें इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप दे लेना है क्योंकि हम इसे ग्लास में बनाएंगे और हमें इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो ग्लास की चौड़ाई से कम रखनी है और लंबाई भी ग्लास की लंबाई से कम रखनी है। तो ये उसी तरीके से मैंने इसे बना लिया है। चलिए अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। तो सूजी भी हमारी काफ़ी अच्छे से फूल गई है, थोड़ी सी थिक हो गई है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। अब एकदम सही बैटर ये रेडी हुआ है हमारा। तो अब हम फटाफट से अपने सारे ग्लासेस में ऑयल लगा के अच्छे से उन्हें ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। और अब इस सूजी के मिक्सचर में मैं डालूंगी 2 चम्मच इनो। हमने 2 कप सूजी ली थी तो यहाँ पे 2 चम्मच इनो मैं ऐड करूंगी और अब इसे मिक्स कर देंगे। एक ही डायरेक्शन में इसे मूव करेंगे और सभी ग्लासेस में हम पहले ये सूजी वाला मिक्स डाल देंगे। 2.5 चम्मच आप एक ग्लास में डाल दें नीचे पहले। और अब इसके सेंटर में हम ये आलू का मिक्स बिल्कुल नीचे अच्छे से सेट कर देंगे और ऊपर पूरा सूजी के मिक्स से फिल कर देंगे। थोड़ा सा स्पेस हम सूजी को फूलने के लिए देंगे। तो यहाँ मैं 1/3 फिल कर रही हूँ। तो ये हमने अपने सारे ग्लास रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे स्टीम लगाएंगे। तो ये हमारा स्टीमर रेडी है और अब हम इसमें अपने सारे ग्लास सेट कर देंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे। पानी आप इतना भरें कि 15 से 20 मिनट तक अच्छे से स्टीम लग सके। तो अब हम इसे लो टू मीडियम गैस पे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम लगा लेंगे। तो ये देखिए, इसमें कितने अच्छे से स्टीम लग गई है और ये अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम साइड में ऐसे नाइफ डाल के देखेंगे और नाइफ एकदम क्लीन बाहर आया है। इसका मतलब हमारी सूजी अच्छे से कुक हो गई है। बीच में हमें नाइफ को नहीं डालना है क्योंकि बीच में आलू का मसाला है। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे ग्लास में से बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसके चारों तरफ नाइफ इस तरह से
फिरा देंगे ताकि ये इजीली निकल जाए। और एक प्लेट पे उल्टा करके इसे हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए कितने आराम से ये निकल गया है और ग्लास भी एकदम क्लीन हमारा निकला है। और इसी तरह से हम सारे ग्लासेस निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे ग्लासेस में से इस तरह से रिमूव कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही कट करके खा सकते हैं चटनी के साथ, या फिर आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ इसे और स्पाइसी और खूबसूरत बनाने के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे एक चम्मच तेल। हमें ज्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही तेल डालना है। तो यहाँ मैं एक चम्मच तेल ले रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़े से राई के दाने। तो यहाँ मैंने हाफ टी स्पून राई के दाने लिए हैं। हाफ टी स्पून हल्दी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। और अब साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़े से धनिया पत्ती। पानी डाल दूंगी थोड़ा सा मैं। और अब इसे एक मिनट के लिए कुक होने देंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें ये सूजी के सिलेंडर ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है और कितना अच्छा टेक्सचर इसमें आया है। तो ये देखिए हमारे ब्यूटीफुल से और बहुत ही डिलीशियस और कितने कलरफुल ये सूजी रोल लग रहे हैं। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तेज धार वाले चाकू से हमें इसे कट करना है और ज्यादा हमें जोर नहीं लगाना है, बस इजीली हमें इसे कट करना है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका टेक्सचर आया है अंदर से और बाहर से। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने ये किस तरह से बनाए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।